Hi students, this is KD sir from Shivam Education. Today we are going to continue with exercise 3.5. और 3.4 तक का वीडियो आपने शायद देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज देखो, और अगर पसंद आए तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सो दैट आपको इसी तरह कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहे, राइट। नाउ व्हाट इज एक्सरसाइज 3.5, राइट। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज किया गया। अभी तक हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एक्स और वाई ढूंढना था, राइट। अब वही एक्स एंड वाई हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी, राइट। फॉर एग्जांपल, टेक a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ यहां पे देखिए आपको किस तरह करना है, a1, a2, b1, b2, c1, c2, राइट। दिस इज सपोज एक्स, दिस इज वाई, एंड कॉन्स्टेंट सपोज नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसके आगे लेट्स टेक a1, a2 ऑल्सो, इट्स अ लाइक साइकिल, C1 A2 के बाद वापस क्या आएगा, A1 A2, राइट। इस तरह अब आपको क्या करना है ये बताता हूं, राइट। X का सॉल्यूशन ढूंढना है तो X का क्या आएगा, X का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप X को क्लोज कर दीजिए, राइट। और ये इस तरह होगा, देखिए, राइट, अंडरस्टूड। वो सलमान खान का पिक्चर था ना, यू B1 C2 माइनस B2 C1 लिख दीजिए, B1 C2 माइनस B2 C1, अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, ये मेथड हुआ। अब Y का सॉल्यूशन ढूंढना है तो देखिए Y को रोक दीजिए, अब Y को रोकेंगे तो क्या आएगा, C1 और ये आएगा, तो देखिए C1 A2 माइनस C2 A1, राइट, ये आ गया। अब लास्ट में क्या बचा, 1 का सॉल्यूशन होगा तो क्या बचा है, 1 के बाद तो कौन आएगा, ये, दैट इज इक्वल टू 1 a1 b2 और a2 b1, राइट, ओके। तो दिस इज द थिंग, तो x का b1 c2 माइनस b2 c1, y का c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 का a1 b2 माइनस a2 b1, कोई भी दो का आपको सॉल्यूशन ले लेने का है, राइट, क्योंकि तीनों इक्वल में है, x और 1 ले लो, y और 1 ले लो इक्वल टू, और सॉल्व कर दो, आपको x और y मिल जाएगा, राइट। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 तो दिया ही है, दिस इज द थिंग। और ये रही बात, ये दूसरी बात क्या थी आपको अगर याद हो तो, a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 मतलब हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन है, बराबर। अगर वही चीज a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 है और नॉट इक्वल टू c1 c2 है तो ये हो जाएगा पैरेलल, राइट। और वही चीज अगर a1 a2 अपॉन इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 है तो कोइंसाइडिंग मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, ओके, अंडरस्टूड। ये फिर से रिवाइज किया है और हम ये मेथड से भी कंटिन्यू करेंगे, ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 3, b1 क्या है, -3, b2 क्या है, -9, c1 क्या है, -3, c2 क्या है, -2, राइट। तो लेट्स सी, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1/3, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, -3, -9, मतलब --3, 1 3 3 3 9, दैट इज 1/3, राइट। तो a1 अपॉन और c1 c2 क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2 -3 -2 दैट इज 3/2, दैट मींस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इक्वल टू आया मतलब पैरेलल लाइंस, देयरफॉर
they are parallel lines, therefore no solution. बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है? Understood? Right? Let's go to the question number, second number sum. यहां पे भी पहले क्या करो, चेंज कर दो, 2x plus y minus 5 is equal to 0, 3x minus 2y minus, sorry, this is plus 2y minus 8 is equal to 0, right? A1 is equal to 2, A2 is equal to 3, B1 is equal to 1, B2 is equal to 2, C1 is equal to minus 5, C2 is equal to minus 8, okay? अब A1 upon A2 is equal to 2 upon 3, B1 upon B2 is equal to 1 upon 2. बस ये दोनों अगर equal to नहीं है, बस आपको आके unique solution लिख देना है. समझ पड़ा? ये दो ही important है, right? अगर ये दोनों parallel आया तो तीसरा ढूंढने का था. तो अगर ये दोनों अगर equal to नहीं है, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. Therefore, they are intersecting. Intersecting lines. Therefore, unique solution. Okay, unique solution. अब unique solution है तो क्या करना है हमको? हमको ढूंढना है cross multiplication method से. चलो, आप direct लिखना हो तो लिख सकते हैं. Right? या तो फिर आपको, जैसे मैंने बोला था, वैसे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं. राइट तो x अपॉन क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 राइट ना तो ये b1 b2 c1 c2 बस ऐसा लिख दो तो आपको इजी रहेगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y का क्या होगा y मतलब सीधा c1 से शुरू कर दो c1 c2 a1 a2 और 1 का क्या होगा a1 a2 b1 b2 right that is x upon b1 c2 minus b2 c1 y upon c1 a2 minus c2 a1 और 1 a1 b2 minus a2 b1 अब वैल्यू रखते हैं चलो x x का क्या वैल्यू होगा b1 c2 b1 मतलब 1 पहले इसको अलग कर देते हैं right okay b1 is equal to 1 और c2 कितना है minus 8 और माइनस फिर उसके बाद b2 कितना है 2 और c1 कितना है माइनस 5 राइट इज इक्वल टू y का ले लेते हैं क्या आएगा c1 c1 कितना है माइनस 5 और a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है माइनस 8 फिर a1 कितना है 2 राइट ये रख दिया फिर उसके बाद a1 b2 a2 राइट अब ये क्या करेंगे इसका इसका आएगा a1 b2 ना a1 b2 2 2 माइनस a2 b1 3 1 राइट ओके अब इसका अभी और एक भी ढूंढ लेते हैं माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 10 प्लस 10 y क्या हो जाएगा minus 15 plus 16 और 1 4 minus 3 ये आएगा x upon plus 2 y आएगा minus मतलब plus 1 और ये आएगा 1 upon 1 right अब देखो x का solution कितना easy हो गया x upon 2 is equal to 1 upon 1 therefore x is equal to 2 मिल गया y का देखिए y upon 1 is equal to 1 upon 1. Therefore, y is equal to 1. ये आपका solution. I hope you understood. आराम से करोगे, कहीं भी sign mistake नहीं होगा, तो आपका answer आराम से आ जाएगा. Okay? Let's go for the next sum. Okay, students. Question number 1 का third and fourth करेंगे. Right? 3x minus 5y minus 20 is equal to 0. Right? Rearrange कर लेते हैं. 6x minus 10y minus 40 is equal to 0. A1 is equal to 3, A2 is equal to 6, B1 is equal to minus 5, B2 is equal to minus 10, C1 is equal to minus 20, C2 is equal to minus 40. Right? So A1 upon A2 kya ho gaya? 3 upon 6 matlab
वन अपॉन टू बराबर बी वन अपॉन बी टू क्या हो गया माइनस फाइव अपॉन माइनस टेन, वन अपॉन टू सी वन अपॉन सी टू क्या हो गया माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस फोर्टी, वापस वन अपॉन टू तीनों वन अपॉन टू है, दैट मीन्स ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, देयर फॉर कोइंसाइडिंग लाइन्स, कौन से लाइन्स है ये कोइंसाइडिंग लाइन्स, देयर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और हमको ये क्वेश्चन में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो तभी फाइंड आउट करना है, राइट right? चलो हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। अब ये फोर्थ नंबर का देखते हैं, फोर्थ में दिया हुआ है परफेक्ट, तो ए वन इज इक्वल टू वन, ए टू इज इक्वल टू थ्री, बी वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, बी टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, सी वन इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड सी टू इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन। ओके नाउ ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन थ्री, बी वन अपॉन बी टू माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, दैट इज थ्री थ्री कट हो गया तो वन अपॉन वन, बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और ये आ गया, मतलब मैंने क्या बोला आप कर सकते हैं, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस और देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो फाइंड आउट करना है, चलो लेट अस सी। पहले क्या करेंगे, x का लिखेंगे, x का क्या लाएंगे, ये दोनों लेंगे b1 b2 और c1 c2, राइट। ये भी आप लिख के लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट भी करना है तो b1 c2 - b2 c1 फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू कैन राइट दैट आल्सो, राइट। y इज इक्वल टू क्या आएगा, c1 आ गया तो c1 c2 a1 a2, और 1 इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, राइट। चलो आगे जाते हैं, x का क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, y का c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 का a1 b2 माइनस a2 b1, और इसका भी वैल्यू डाल लेते हैं। x का क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, b1 और c2 माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन, माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन माइनस क्या हो जाएगा b2 c1 माइनस थ्री माइनस सेवन, माइनस थ्री माइनस सेवन, खाली साइन में जान ध्यान रखना आप लोग। y y का क्या आएगा c1 a2, c1 a2 मतलब माइनस माइनस सेवन प्लस थ्री, प्लस थ्री माइनस फिर माइनस फिफ्टीन वन वन, राइट। और फिर उसके बाद लास्ट कौन सा है वन, ए वन बी टू मतलब वन और माइनस थ्री और माइनस, फिर उसके बाद ए टू बी वन थ्री और माइनस थ्री, राइट। चलो अब यहां लिखते हैं, ये क्या आएगा बताइए, एक्स पे, एक्स पे आएगा फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर्टी फाइव माइनस थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, लेकिन तीन माइनस है तो माइनस आएगा ट्वेंटी वन। वाई पे माइनस सेवन थ्री माइनस ट्वेंटी वन, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फिफ्टीन, और वन पे माइनस थ्री और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थ्री थ्री जा नाइन। ओके तो एक्स में क्या आएगा फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी वन क्या, तो फोर ट्वेंटी फोर, वाई में ट्वेंटी वन में से फिफ्टीन क्या तो माइनस सिक्स, वन में प्लस सिक्स, राइट। तो एक्स अपॉन ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, क्या आएगा सर ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्स, सिक्स फोर था तो एक्स इक्वल टू फोर, एक सॉल्यूशन आ गया। वाई वाला देखो, वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस वन, दूसरा सॉल्यूशन आ गया। दिस इज द थिंग एंड योर दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। आगे जाए चलो नेक्स्ट सम। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट सम, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ए वन अपॉन ए टू,
is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, right? Let's see. 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. पहले रीअरेंज कर लेते हैं. a minus bx, a plus by, और ये पूरे को एक ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस 3a plus b minus 2 is equal to 0, राइट? आप देखो, a1 is equal to 2, a2 is equal to a minus b, b1 is equal to 3, b2 is equal to a plus b, और c1 is equal to minus 7, और c2 is equal to क्या आएगा? ये जो है minus 3a plus b minus 2, right sir? Let us see now, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Condition for infinite solution. Right? Students, barobar hai? Haan. So, the condition for infinite solution is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Iska value rakhte hai? 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to minus 7 upon minus 3a plus b minus 2, right? ऐसा है. तो अब इसको क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करते हैं पहले वाले से. a minus b is equal to minus 7 upon minus 3a plus b minus 2. Okay? चलो, ये minus minus कट कर दो. अब ये क्या हो जाएगा? सामने चला जाएगा. That is 2 3a plus b minus 2 is equal to 7a minus b, right? इसका क्या आएगा? 6a plus 2b minus 4 is equal to 7a minus 7b. अब सॉल्व कर लेते हैं. 6a minus 7a plus 2b plus 7b is equal to plus 4. इस बाजू हो जाएगा minus a 9b is equal to 4. Equation number 1. वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे? और दो ले लेते हैं. चलिए, ये पहला दो भी ले सकते हैं. 2 upon a minus b, 3 upon a plus b, 2a plus b, 3a minus b. क्या आएगा? 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b. That is 2a minus 3a plus 2b plus 3b is equal to 0. Minus a plus 5b is equal to 0. Therefore, minus a is equal to minus 5b. यह हमको substitution method आ जाएगा. Minus a is equal to minus 5b. Equation number 2 में डाल देते हैं. Putting the value in minus a plus 9b is equal to 4. तो यह हो जाएगा minus 5b, 9b is equal to 4. That is 4b is equal to 4, b is equal to 1. मिल गया वैल्यू. अब b is equal to 1 हम लोग को कहाँ डालना है? बस यहाँ डाल देने का है. Putting the value in minus a is equal to minus 5b. तो ये हो जाएगा minus minus cut. a is equal to 5, 1. तो a is equal to 5. A is equal to 5, B is equal to 1. This is your answer, solution. Right? ये करना है. फिर इसके बाद आप खाली equation solve करोगे तो हो जाएगा. Let's go to the question number 2 में second sum. Question number 2 का second sum. For which value of the k will the following linear equation have no solution? What is the condition for no solution? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. राइट तो पहले तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? चलो, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1, C1 is equal to 1, C2 is equal to minus 2k ब्रैकेट में डालने का है,
राइट. नाउ द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. पहले ये दोनों ले लेते हैं. ए वन अपॉन ए टू मतलब थ्री टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन के माइनस वन. चलो इसको सॉल्व कर देते हैं. थ्री के माइनस वन टू के माइनस वन राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सर? थ्री के माइनस थ्री और टू के माइनस वन दैट विल गिव थ्री के माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री दैट इज थ्री के माइनस टू के क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू टू. अब ये k इज इक्वल टू टू सी वन अपॉन सी टू भी देखते हैं बरोबर. अगर सी वन अपॉन सी टू में क्या आएगा? अभी ये वैल्यू डाल के देखते हैं k इज इक्वल टू टू में. तो दिस विल बिकम ए वन अपॉन ए टू का मतलब है थ्री अपॉन टू टू माइनस वन दैट इज थ्री अपॉन फोर माइनस वन दैट इज थ्री अपॉन थ्री दैट इज वन अपॉन वन. B1 वन अपॉन बी टू राइट. बी वन अपॉन बी टू क्या आएगा? वन अपॉन के माइनस वन टू माइनस वन वन अपॉन वन. ये दोनों तो प्रूव हो गया. अब सी वन अपॉन सी टू देखते हैं. दैट इज माइनस वन अपॉन माइनस टू के प्लस वन. माइनस माइनस कट हो जाएगा. वन अपॉन टू टू प्लस वन मतलब वन अपॉन फाइव. देयरफॉर हमारा कंडीशन प्रूव हो रहा है कि सी वन अपॉन सी टू इज नॉट इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू राइट. देयरफॉर हियर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू. देयरफॉर दे हैव नो सॉल्यूशन राइट सर. दिस इज वे This is the way you have to prove. Okay? Understood? चलो आगे बढ़ते हैं. Okay students, question number 3. Solve the following linear equations by substitution and cross multiplication method. पहले तो 8x plus 5y को arrange कर लेते हैं. 8x plus 5y. लेकिन substitution method में arrange करने की जरूरत नहीं है. Right? तो एक काम करते हैं, इसे equation number 1 ले लेते हैं, equation number 2. तो by substitution method. राइट. सेकंड वाला इक्वेशन ले लो. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y. x इक्वल टू 4 माइनस 2y अपॉन 3. राइट. दिस इज अवर सब्स्टिट्यूट. राइट. देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन का 1 में. राइट. तो दिस इज 8 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9. 3 एलसीएम होगा क्योंकि ये कट नहीं होगा. 8 4 जा क्या हो गया? 32 माइनस 16y. 3 5 जा 15y और 3 सामने चले जाएगा. दैट इज 27. आराम से करना. माइनस 16y तो माइनस y हो गया. 27 माइनस 32 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5. Therefore, y is equal to 5. Right, sir? Y is equal to 5 क्या है? यहां input करते हैं. Right? Putting the value of y in कहां? यहां. X is equal to 4 minus 2. Y कितना है? 5 upon 3. So, X is equal to 4 minus 10 upon 3. x इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन थ्री माइनस टू. एक्स का और वाई का सॉल्यूशन. ओके. अब यही चीज हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं. राइट. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जगह यहां है तो यहीं से स्टार्ट करता हूं. राइट. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. राइट. पहले क्या करना पड़ेगा? यहां पे अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंजिंग. तो 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. राइट. अब
A1 is equal to क्या है 8, A2 is equal to 3, B1 is equal to 5, B2 is equal to 2, C1 is equal to minus 9, C2 is equal to minus 4. ओके अब चलो x का क्या आएगा a1 a2 b1 b2 b1 b2 और c1 c2 y का c1 c2 और a1 a2 और 1 का a1 a2 b1 b2 राइट चलो लिख देते हैं वैल्यू बोलो 8 पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 और ये a1 b2 माइनस a2 b1 ये सब टीचर को लिखना अच्छा है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे राइट चलो x b1 c2 बोलो b1 c2 b1 5 है c2 माइनस 4 है तो 5 और माइनस 4 राइट यस और फिर उसके बाद B2 क्या है 2 और माइनस 9 आराम से करना y का क्या हो जाएगा C1 माइनस 9 और A2 दैट इज 3 माइनस फिर माइनस 4 और 8 राइट फिर इसके बाद A1 B2 दैट इज 8 और 2 3 5 x 5 4 जा माइनस 20 2 9 जा 18 मतलब प्लस 18 y का क्या आएगा माइनस 9 3 माइनस 27 4 8 जा 32 प्लस 32 16 माइनस 15 माइनस 15 एक्स का क्या होगा माइनस 2 वाई का 5 1 राइट अब आप अरेंज कर सकते हैं एक्स अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एक्स इक्वल टू माइनस 2 सेम आया देखो जरा यस राइट तो दिस इज योर सॉल्यूशन वाई का देखो तो वाई अपॉन 5 1 अपॉन 5 This is the solution, right? So this way we have received the solution. Okay, let's go ahead. Question number 4. Form the pair of linear equations and find their solution by any algebraic method. कोई भी algebraic method से आप find out कर सकते हैं. आपको जो method easy लगे उस method से. पहले, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. Hostel में मालूम है ना? खाना कैंटीन होता है राइट तो वहां खाना खाते हैं तो पर डे का चार्जेस बाकी जो फिक्स चार्ज है इतना भाड़ा इतना रेंट ऐसा फिक्स चार्ज है प्लस पर डे राइट तो दैट इज द थिंग तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज रुपीज 1180 has hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. Now, I just want to remind you that suppose किसे करना चाहिए, right? हम लोग पहले line से suppose करने की कोशिश करते हैं बच्चे लोग उसकी जगह पे आपको क्या करना है question क्या है उसके बेस पे suppose करो Find the fixed charges and the cost of food per day. Let the fixed charge is x right rupees and the cost of food per day is y rupees understood all of them इस तरह आपको कर लेना चाहिए फिर उसके बाद अगर देखें स्टूडेंट ए क्या करता है x तो फिक्स है चलो प्लस कितने दिन के लिए खाना खाता है वो देखिए तो जरा 20 डेज तो 20y राइट इज इक्वल टू उसने कितना पे किया 1000 रुपीस इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया वैसे ही स्टूडेंट बी ले लो राइट एक्स तो फिक्स है क्योंकि फिक्स चार्ज है अब वाई क्या है वो कितने दिन के लिए खाना खाते 26 डेज
तो उन्होंने क्या पे किया 1180। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा बोले कि फाइंड एल्जेब्रिक एनी एल्जेब्रिक मेथड और आपको इक्वेशन ऐसा मिलता है एक्स एक्स सेम है, गो फॉर एलिमिनेशन, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, राइट। चलो लेट्स राइट x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, x प्लस 20y 1000। सब्ट्रैक्शन बोला है, क्यों मालूम है? सेम साइन था इसलिए हमको अपोजिट साइन बनाना है, क्योंकि एलिमिनेशन 26 में से 6y 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, y इज इक्वल टू क्या है 30 rupees, राइट, दैट इज डन। अब ये y इज इक्वल टू वैल्यू आप कहीं भी रख लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन कहा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 में रखो, चलो तो क्या करेंगे x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x इज इक्वल टू 1000 टू थ्री जा सिक्स मतलब माइनस 600, x इक्वल टू 400 rupees। नेक्स्ट को राइट, तो ये हो गया। तो फॉर द फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस 400 rupees एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ऐसा लिखने का स्टेटमेंट सब में इस कितना है 30 rupees, डन। सो दिस वे यू टू फाइंड द सॉल्यूशन, ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड नंबर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, राइट। अब यहां क्या करना है, पहले तो लेट द न्यूमरेटर इज x, द डिनोमिनेटर इज y, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या जाएगा x अपॉन y। यहां तक तो तीन लाइन फिक्स लिखना है। अब व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, तो यहां पे लिख के बताइए क्या आएगा, न्यूमरेटर x x माइनस 1, when 1 is subtracted from numerator it x minus 1 लिख दो, right now तो denominator वही रहेगा x minus 1 upon y is equal to क्या बनता है 1/3, तो cross multiply कर दो 3x minus 3 is equal to y, therefore 3x minus y minus 3 is equal to 0, equation number 1। आप बोल रहे हैं कि when the 8 is added, तो when 8 is added to its denominator, बरोबर, तो क्या बन जाएगा denominator y plus 8, तो ये लिखेंगे हम लोग x upon y plus 8 is equal to 1/4, cross multiply y plus 8, 4x minus y minus 8 is equal to 0, equation number 2। अब देखो कंपेयर करो, एलजेब्रिक कोई भी मेथड यूज करना है, 3x माइनस y और 4x माइनस y, फिर से देखिए यहां पे y सेम आ रहा है, राइट, तो हम कौन सा एलिमिनेशन मेथड थे, तो बाय नाउ क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दैट इज 4x माइनस वाई, 8 को इधर ले जाओ 8 हो गया, सेकंड वाला 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस क्यों ऑपोजिट साइन लाना था, तो देखिए ये हो गया, अब 4x में से 3 गया तो x, 8 में से 3 गया तो 5, राइट, तो x इक्वल टू 5 आया, पुटिंग दिस x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में ले लेते हैं,
टू, तो क्या आएगा, फोर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एट, बराबर x इक्वल टू क्या है फाइव, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एट, ट्वेंटी माइनस वाई इज इक्वल टू एट, माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा माइनस ट्वेल्व, y इज इक्वल टू ट्वेल्व, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज क्या लिखने का, x अपॉन y इज इक्वल टू फाइव अपॉन ट्वेल्व, ओके दिस इज योर आंसर, आई होप यू गॉट इट, ओके लेट्स डू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड सम, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, बराबर ये माइनस हो जाता है, ये उसके प्लस होते हैं, तो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, अभी उसके 40 मार्क्स ही स्कोर हुए हैं, 50 मार्क्स, तो फाइंड आउट हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, लेट्स सी, लेट the number of correct answer is x and the number of wrong answer is y, right? तो ये क्या हो जाएगा 3x minus 1y, right? is equal to 40 marks, that is 3x minus y is equal to 40, equation number 1, राइट right? अब यही चीज अगर हम बोले कि 4 मार्क्स जब डिडक्ट होते हैं तो क्या हो जाएगा नाउ राइट 4 मार्क्स तो क्या हो जाएगा 4x और डिडक्शन कितना है 2 माइनस 2y इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं उसके आंसर 50 राइट तो 4x के लिए हो जाएगा 50 तो इसको अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 लेकिन अगर इसको हम लोग वो करें तो 2 कॉमन निकाले तो दिस विल बिकम 2x माइनस y इज इक्वल टू 25 राइट ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 3 देन इसी का है अगर आपको करना है तो ये अगर एलिमिनेशन मेथड से करना है तो इसीलिए बोल रहा हूं ओके नहीं तो अगर आपको नहीं करना है तो आप इसी को रख के भी कर सकते हैं सेम इक्वेशन को लेट अस सी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है यहां पे माइनस वाई है यहां पे माइनस 2y मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड क्या आएगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 राइट 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चलो पहले इक्वेशन 2 लिख लो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से राइट तो 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 सब्ट्रैक्ट है राइट तो ये हो जाएगा माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 30 x इक्वल टू माइनस 30 अपॉन माइनस 2 x इक्वल टू 15 कितने करेक्ट क्वेश्चन से उसके 15 अच्छा y देख लेते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन किसमें कोई भी इक्वेशन ले लीजिए 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 राइट तो क्या आएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 वाई इज इक्वल टू 5 राइट तो अभी देखिए x इक्वल टू 15 है वाई इज इक्वल टू 5 इन्होंने पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर तो 15 क्वेश्चन राइट है और 5 क्वेश्चन रॉन्ग है देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ questions इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 15 प्लस 5 20 राइट दिस इज योर आंसर 20 questions were there अंडरस्टूड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे राइट तो लेट्स सी यहां पे ले लेते हैं दिस इज ए This is B, right? ये कितना डिस्टेंस है 100 किलोमीटर राइट ओके नाउ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए तो दिस इज सपोज कार वन
and the another car starts from B. Car 2, ऐसा ले लेते हैं, right? Okay. अब if the another B at the same time, if the cars travel in the same direction, पहले तो क्या करना है हमको, हमको speed find करना है. सिंपल है, क्वेश्चन को रख के पहले बना, लेट द स्पीड ऑफ कार वन इज एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट. स्पीड ऑफ कार टू इज वाई किलोमीटर पर आवर, राइट. अब यहां देखिए, इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अब सपोज ये वाला डायरेक्शन ही है, तो ये दोनों यहां डायरेक्शन, तो ये जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी ये भी तो यहाँ जाएगा, तो इनको जहाँ मीट करना है वो कहाँ मीट करेंगे, यहाँ कहीं मीट करेंगे, राइट और रॉन्ग, राइट. तो सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो मैं ये इसको सी ले लेता हूँ, राइट. तो अभी ये क्या हो गया, कार ए कितना ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम लिया उसने, 5x. तो लेट देयरफॉर द Distance traveled by car 1 कितना होगा, 5x. क्यों, क्योंकि 5 और ये जो है यहां तक उसका स्पीड क्या है, x, और उसने टाइम कितना लिया, 5, राइट. अब वही चीज कार 2 आगे जाएगा तो वो भी क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 2 इज इक्वल टू 5y, राइट. अब यहां पे देखिए, हमको है ए बी, ए बी इज इक्वल, हमको कितना है ये ए सी, राइट, ए सी है, तो ये ए सी इज इक्वल टू ए बी रखो, राइट. अब यहां देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, क्योंकि बी ने तो यहां से यहीं ट्रैवल किया है, तो 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, तो ये आएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100. इसमें से y कॉमन लो तो x माइनस y इज इक्वल टू 20. इक्वेशन नंबर 1 मिला हमको, दिस इज द वे. सेकंड वाला क्या हुआ कि ये दोनों a और b, यहां पे 100 किलोमीटर तो है, राइट. अब दोनों एक कहां है, आमने सामने आ रहे हैं. अब आमने सामने आ रहे तो कहीं यहां मिलेंगे, तो सपोज इसको सी ले लेते हैं, राइट. तो अभी ये कैसा होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ऐसा होगा, राइट और रॉन्ग. तो ए बी तो 100 वही रहेगा, लेकिन ए सी कितना हो जाएगा, उन्होंने कितने आवर्स लिए, 1, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई. देयरफॉर ऑन क्या आएगा, ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट साइड, राइट, टूवर्ड्स ईच अदर, क्या लिखने का, टूवर्ड्स ईच अदर, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2, राइट. अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑपोजिट साइन ऑलरेडी आ गया, एलिमिनेशन मेथड, राइट. चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, कट कर दो, 120, 60 किलोमीटर पर आवर किसका है, कार वन का. पुटिंग दिस वैल्यू किसमें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40, y is equal to 40 kilometer per hour. Therefore, speed of car 1, 60 kilometer per hour. Speed of car 2, 40 kilometer per hour. Right? This is your answer. I hope you understood. Right? तो ये जरा आप ध्यान से देख लेना डायग्राम और फिर इसके बाद ये सम करना. Okay? Understood? चलिए. क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ सम. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स
इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स. इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. पहले तो सिंपल, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is x, right? The breadth of the rectangle is y. Area of rectangle क्या हो जाएगा? Is equal to xy, right? Length into breadth. Now, अब आप देखिए, when 5 units is reduced, when on reducing 5 units, right? The length becomes the length क्या हो जाएगा? X minus 5, बरोबर. And breadth is increased by, right? On increasing 3 units, the breadth becomes Y plus 3, right? अब ये लिख लेते हैं, X minus 5, Y plus 3 होता है, तो एरिया कितना है? रिड्यूस हो जाता है 9. तो एरिया मतलब क्या हो गया? एक्स वाई माइनस 9. अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम? ये हमको ऐसे करना है. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई 3x 5y. देखिए ये एक्स वाई इसीलिए दिया है, ये अपने आप कट हो जाएगा. ऑपोजिट साइन, सेम साइन होगा तो अपने आप कट हो जाएगा. दिस विल गिव यू 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y एंड 6, राइट? दैट इज इक्वेशन नंबर 1. ये करना था हमको, राइट? अब दूसरा देखिए, इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ, राइट, बाय 3 यूनिट, क्या हो जाएगा? x प्लस 3, फिर एंड ब्रेथ बाय 2 units and breadth by 2 units, y plus 2. तो क्या हो जाएगा अभी बताइए? x plus 3 y plus 2 is equal to, area भी increase हो रहा है, चलो xy plus 67. तो ये multiply कर दीजिए, xy cut, 2x 3y is equal to 67 minus 6, 2x plus 3y is equal to 61. Equation number 2, कुछ हो रहा है? यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो उल्टा है, तो आपको multiply दोनों को करना पड़ेगा equal करने के लिए. चलो minus वाला है उसमें करते हैं, तो क्या होगा अपने आप से, right? Multiplying equation 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 बाय क्या आएगा? 5. तो क्या मिलेगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18, और सेकंड वाला इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 15y, 5 1 5, 5 6 30. ये तो ऐसे ही कट हो गया, ये आएगा 19x, ये आएगा 3, 13 का 1 मतलब 2, ये आएगा 323. x is equal to 323 upon 19. कौन सा टेबल आएगा देखिए, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 7 से किससे स्टार्ट होना है? 7 से, राइट? तो 19 17 का x is equal to 17. ओके, आपको ये आंसर मिल गया पुटिंग दिस वैल्यू. वैल्यू इन क्या करना है, कहीं भी डाल दीजिए, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, राइट? x इक्वल टू 17 है, तो ये क्या हो जाएगा? 51, 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 51 माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 और ये 45 और ये भी माइनस,
y is equal to minus 45 upon minus 5, y is equal to 9, x equal to 17 और y is equal to 9. क्या फाइंड करना था हमको? डायमेंशंस फाइंड करना था. therefore यहाँ पे लिखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17 यूनिट और लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है 9 यूनिट. ओके दिस इज द थिंग यू हैव टू डू दिस वे. ओके आई होप यू अंडरस्टूड राइट. तो देख लीजिए एक बार, कॉपी कर लो लेकिन समझ के करो. ओके और प्लीज पॉज करके इसको प्रैक्टिस भी करो तो आपको आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.5. सारे सम्स कर दिए हमने राइट. हर एक सम को आप प्रैक्टिस करो. एक्सरसाइज के सम्स हैं 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स करो. जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा. प्लीज जब भी आपको डाउट हो तभी वीडियो देखो, नहीं तो आप प्रैक्टिस करो. या तो पहली बार आप पूरी तरह वीडियो देख के पॉज करके दूसरी बार ट्राई करो खुद. ओके सो दैट आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाए. ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर हमारा टीचिंग मेथड आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो. शेयर इतना करो कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है राइट. प्लीज़ शेयर इट. और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन प्रेस करो सो देट आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे नेक्स्ट वीडियो दैट इज 3.6 का. ओके तो बाय टिल दैट बाय.